लोगों का स्वागत है निगी फैमिली ब्लॉग में। तो आज की फिर शुरुआत हो रही है हमारी गर्मा गर्म चाय से, जो कि फिर से मैं ही बना रही हूँ। तो मैंने चाय का पानी रख दिया है, सब काफ़ी देर से उठ चुके हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं। तो सबको हमारी फैमिली की तरफ से प्यार भरा नमस्ते। तो चलो आज देखेंगे हम क्या क्या करते हैं और फिर मिलते हैं आगे। वाह मुंह देखो। हेलो सिमरन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिमरन। गुड मॉर्निंग, अच्छी वाली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, यस। और रजनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैंने बोला कि मैं ही चाय बनाती हूँ रोज रोज, तो रजनी ने कहा दीदी आज मैं बनाऊंगी आपके लिए अच्छी वाली चाय। तो अब रजनी आ गई है चाय बनाने के लिए, फिर हम पियेंगे चाय। कल जो हम लोगों ने रात में फिश खाई, तुझे कैसी लगी? मेरे को बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी, तो थोड़ा थम दिखा, सबको बोल क्या करना है, फिर अगर तेरे को अच्छी लगी तो बुआ के चैनल पे जाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और खुद भी सीखना अच्छे से बनाना। हाँ, तो बुआ की रेसिपी देखना। ये देखो मैंने ना उसको पूरा सिखाया पढ़ाया तब जाके ये इतना बोली। तो क्या करेंगे सबके साथ? सिमरन तू बता, तेरी ऑफिस की या तेरे फ्रेंड्स वगैरह देखती है मेरे चैनल? हाँ। देखते हैं क्या कहते हैं? अरे इधर फेस देखो, फेस देखो, कहते हैं कि बहुत अच्छी बनाते हैं वीडियो। वीडियो बनाते हैं ना, तो फिर वो कमेंट्स क्यों नहीं करते यार? कमेंट्स भी करा करो ना, लाइक भी करा करो। वो यूट्यूब वालों ने क्यों दे रखा नीचे वो ऑप्शन? हाँ, कमेंट्स का। तो प्लीज सबके सब लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। रजनी मुंह छुपा रही है पर हम छुपाने नहीं देंगे। तो चलो फिर देखो, मैं तुमको ना सिमरन का नाइट शॉट दिखाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कैदियों का नहीं होता वैसा वाला लग। आज है संडे और बन रहे हैं गैस के परांठे, और गैस के परांठे बना रहे हैं दीदी और भाभी। ये रहे यहाँ। भाभी थोड़ा बड़े बड़े बनाना, जैसे गांव में बनते हैं, मोटे मोटे और बड़े बड़े। तो जो गढ़वाली नहीं है उनको बता दे, ये गैस की दाल होती है, उसको उबाल के उसको पीस के सिलबट्टे पे, ये सिलबट्टे पे पीसा है मम्मी ने, सिलबट्टे पे पीस के इसके गैस के परांठे बनाए जाते हैं। और ये उत्तराखंड की फेवरेट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। तो ये बन रहे गैस के परांठे। मुझे लगता है गैस के परांठे इसलिए गढ़वाल में ज़्यादा खाए जाते हैं क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है, और ठंड पड़ने के साथ साथ वहाँ पे गैस गर्म होते हैं, तो इस वजह से गैस के परांठे वहाँ पे ज़्यादा खाए जाते हैं। मेरा सोचना ये, आप लोग क्या कहते हैं बताना ज़रूर। मम्मी क्यों लोग गैस के परांठे इसलिए खाते हैं ना गाँव में ज़्यादा, कि वहाँ ठंड होती है और ये गर्म होती है दाल? पत्थर भी नहीं होती। अच्छा, गैस के पानी पीने से पेट में जिसकी पथरी होती है उसको पथरी भी निकल जाती है, और गैस खाना पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों मम्मी? यस, अच्छा होते हैं। अच्छा होता है, तो इसलिए मम्मी चाहती है कि हम गैस के परांठे हर संडे खाएं। तो सर्दियों में हमारे घर में गैस के परांठे और गोभी के परांठे, मेथी के परांठे सब बन जाते हैं। और मम्मी छत पे काफ़ी सारी मेथी भी लगी है और पालक भी लगा हुआ ऊपर छत पे, तो आप तोड़ के आओ। मूली के परांठे, घी के परांठे, सब कुछ होते हैं। सब कुछ होते हैं। और मम्मी छत पे ना, मैं अभी सुबह छत में पानी डालने गई थी ना, तो वहाँ पे मेथी भी लगी हुई है, तो आप मेथी बताना, मेथी भी तोड़ के लाएंगे। और आपने और क्या बोया वहाँ पे? बथुआ, पालक, वो भी उगा हुआ है, राई, राई के पत्ते भी बड़े बड़े और रखे हैं। तो शाम को चलेंगे हम तोड़ने के लिए। हैं पराठे और साथ में चाय, और दोनों के लिए अंडे। तो आज का ब्रेकफास्ट तो होने वाला बड़ा शानदार। तो अभी हम खाएंगे गर्मा गर्म पराठे। भाभी आप मेरी वीडियो देखते हो? हाँ, ये हुई बात। देखो भाभी को मेरी वीडियोस कितनी अच्छी लगती है, तो इतनी अच्छी लगती है कि सारा काम छोड़ के पहले भाभी मेरी वीडियोस देखती है। जैसे मैं अपलोड करती हूँ ना, वैसे ही भाभी फटाफट से मेरी वीडियो देख लेती है, और एक बारी नहीं कम से कम दो दो तीन तीन बारी देखती है। क्यों भाभी? हाँ देखा, यहाँ पे ईशु को सुलाया जा रहा है, अभी नहाया नहीं। ईशु हमारा हीरो, हमारा रॉक स्टार, यूट्यूब का रॉक स्टार इशू। आपने इशू की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, और विशु उसमें कितना प्यारा डांस करता है ना। विशु, इशु हाय बोल दो सबको बेटा। हाय हाय इशू, हाय 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 हाय। ओ देख सकते दोबारा। हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे, तो मैंने सोचा कि आज कुछ रील्स और कुछ वीडियो बनाए जाए शॉर्ट वीडियोस के लिए, तो मैं हो रही हूँ तैयार।
तो पहले मैंने अपना फेस कर दिया साफ, अभी आप मेरे को देख लो, अब मैं मेकअप के बाद देती हूँ आपको। देखो ये मैं हो गई रेडी, तो मैं भी कुछ बनाऊंगी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, तो आप लोग जरूर देखना उन शॉर्ट वीडियोस को। तो चलो मिलते हैं शॉर्ट वीडियो में, लेट्स गो। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के दो, नहीं दोपहर के एक बज रहा है, तो आज मैं बनाऊंगी मसमून और चावल। तो आज हम खाएंगे मसमून और भात। तो फिर मैं यही कहूँगी कि जो गढ़वाली लोग हैं उन लोगों को पता है कि मसमून और भात क्या होता है। ये एक उड़द की दाल होती है, उसको पीस के बनाया जाता है। तो हम कौन से स्टाइल पे बनाते हैं, तो हम आज आप लोगों को बताते हैं कि हम आज कौन से स्टाइल पे बनाते हैं। और प्लीज़, मैंने अभी दो वीडियो शूट करी है, पहली बार खुद डांस किया है, तो एक बार अब देखो कि मैंने वो डांस कैसे किया है। तो शॉर्ट वीडियोज़ पर जाके देख सकते हो आप कि मैंने डांस कैसे किया। और अगर ज़रा सा भी ख़राब किया ना, तो प्लीज़ माफ़ कर देना, छोटा समझ के बड़ा समझ के जैसे भी। तो चलो मसमून बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम किस तरह से बनाते हैं। तो चलो बनाते हैं मसमून और भाप। ये उड़द की दाल, देखो ये उड़द की दाल ले रहे हैं और हम इसको अब पीसेंगे। देखते हैं सिलबट्टे पे पीसते हैं कि मिक्सी पे पीसते हैं। और वैसे मुझे लग रहा है बहुत लेट हो गया क्योंकि पापा को भूख लग चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ इसको मिक्सी पे ही पीस के पीसा जाए। ठीक है, वैसे मज़ा इसका आता है सिलबट्टे पे, पर मैं इसको मिक्सी पे ही पीसती हूँ। चलो मिक्सी पे ही पीसते। तो मैंने इतनी सी ही दाल ली है जिसको अभी मिक्सी पे पीसूंगी। पहले मैं इसको धो दूंगी, फिर इसको मैं मिक्सी में पीसूंगी, फिर आगे आगे मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मैंने रख दी है कढ़ाई और ये मैंने साथ में पीस दिया है मसमून, और इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च दोनों पीस के रख दिया। तो ये होता है फटाफट वाला काम। तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल और इसमें डालेंगे जो हमारे गढ़वालियों की फेमस है। भैया सॉरी मैं गढ़वाली करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे अपनी उससे बहुत प्यार है। वैसे मुझे हम सबसे पहले हम इंडियन हैं, यानी कि हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम गढ़वाली और अलग अलग हैं, पर जो हमारा कल्चर है वो हमें बहुत बहुत पसंद है। तो ये मैंने अभी डाल दिया तेल, इसके बाद हम डालेंगे ये जखिया जो आप सबको पता ही है। तो अब हम जखिया डालेंगे, इसके बाद दिखाओ मैं बनाती हूँ मैम कैसे कैसे बनाते हैं। ये मैंने डाल दिया जखिया, तो अब जखिया थोड़ा सा पट 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 करेगा। उसके बाद इसमें जाएगी ये टमाटर और मैंने इसमें हरी मिर्च भी पीस के रखी है, तो ये दोनों को मैं डालूंगी। अब ये थोड़ा सा अच्छे से हो जाए पट 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 करना शुरू, तो इसके बाद मैं डालूंगी ये। तो देखो बन जाएगा ना 5 मिनट में दोपहर का खाना तैयार। एक्चुअली हमने सुबह गैस के परांठे खाए थे, पर मम्मी और पापा हैं शुगर के पेशेंट, तो उनको बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। हमें तो ऐसी कोई भूख नहीं है, पर मम्मी पापा के लिए तो बनाना ही है। तो ये उन लोगों के लिए चावल भी भिगा के रख दिए, तो बस जैसे ये होगा वैसे मैं कुकर में साथ में चावल भी रख दूँगी और 5-10 मिनट में बन जाएगा हमारा गढ़वाली खाना दोपहर का। तो आज हम पूरे गढ़वाली खाने खा रहे हैं, हमने सुबह गैप के परांठे खाए और अब हम खाएंगे मसमून और चावल। आप लोग बताओ, आप लोग अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं जो मैं भी बना रही हूँ। और मेरी शॉर्ट वीडियोस भी देखिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे आगे देखो मैंने क्या क्या बनाया आज। तो अभी ये गर्म हो चुका है मेरी बकबक के साथ भी, तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये। मैं थोड़ा गैस कम कर देती हूँ क्योंकि दोनों चीज़ों में एक साथ कर रही हूँ। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से मैं ये डाल रही हूँ। ये नहीं डल रहा है तो मैं थोड़ा सा बंद करके फिर डालती हूँ इसको। ये प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा मिलाऊंगी और खुशबू से अब मस्त आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैंने गैस थोड़ा सा कम ही रखा है, अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। इसके बाद जो मैंने वो पीस के रखा है उसको थोड़ा सा भूनूंगी। सारी रखी आहा, जैसे कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि क्या कहने। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है क्योंकि दो लोगों के लिए बनना है, तो ये देखो कितने फटाफट से बन रहा है। तो इसके अंदर मैं ये भी डाल दूँगी। ये मैंने बिल्कुल, आप कहोगे कैसा पीस है सर आप मुझे बताना। तो ये मैंने इसको भी पीस के रखा हुआ था, अब मैं इसको भी अच्छे से थोड़ा सा पकाऊंगी, कच्चे में नहीं करूंगी। ये देखो अब मैं इसको पकाऊंगी, फिर मैं कह रही अब मैं फिर थोड़ा कैमरा बंद करती, फिर मिलती।
पहले क्या कहता सरसों का तेल डाला था, फिर उसमें जखिया डाला था, जखिया गर्म हो गया था तो फिर उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी डाली थी। फिर मैंने मसमोन मिक्सी पे ही पीसा था जल्दी के चक्कर से, क्योंकि पापा को भूख लग गई थी तो मैंने उस पर ये डाला। इसको भून रही हूँ अच्छे से। अब मैं इसमें डालूँगी नमक मिर्च, और नमक मिर्च भी उनके हिसाब से डालूँगी कम, क्योंकि उनको कम ही पसंद है, वो कम ही खाते हैं, तो ये मैंने कम कम डाल रही हूँ उनके स्वाद के अनुसार। ये मैंने नमक डाला है, हल्दी डाली, अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, बस इतना ही डालूँगी। अब मैं इसको कर दूँगी मिक्स, तो ये हो गया मिक्स, तो ये बन गया मसाले भात। अभी थोड़ा सा अच्छे से पकेगा, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, तो ये थड़केगा, थड़केगा मीन उबलेगा, तो जब ये उबलेगा तो ये बन जाएगा मसमून और भात। तो ये बन गई हमारे गढ़वालियों की आसानी से डिश, बहुत जल्दी बन गई। सिलबट्टे में पीसती तो बात ही कुछ होती, पर इसमें भी पीसा है, इसमें भी बात अच्छी होगी, क्योंकि ये बना बड़े प्यार से है। तो ये बन रहा है मसमून। अब मैं इसमें डालूँगी पानी और साथ में रखूँगी कुकर में चावल। जी याद आई, ये थोड़ा सा ना मुझे पानी वाला भी लग रहा था, थोड़ा नमक मिर्च भी तेज़ लग रहा था मम्मी पापा के हिसाब से, तो मैंने क्या किया एक चम्मच में थोड़ा सा पानी लिया और बेसन लिया। अब मैंने इसका घोल बना दिया। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी, एक तो इससे नमक मिर्च भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और जो पानी की वो है थिकनेस वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी ये। तो ये देखो अब ये लग रहा है थोड़ा सा सही। अब इसको अच्छे से उबालेंगे, ये उबाल आएगा और साथ साथ रख दिए चावल। तो मैं वीडियो नहीं बनाई पाई क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और खुद ही खाना बना रही हूँ, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे मेरे पास स्टैंड भी है पर इतना टाइम नहीं है, क्योंकि पापा को लगी है बहुत भूख, तो इसलिए ये बन गया हमारा गढ़वाली खाना। और साथ साथ मैं छिलती हूँ मूली। तो आप लोगों को पता है कि कल हमने रात को फिश खाई थी, तो मैं मूली भी लाई थी, तो ये मूली बच गई थी, तो मैं पापा और मम्मी के लिए ये मूली को छिलती हूँ और फिर मैं गढ़वाली थाली लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी बनी। फेस टू फेस बात हो जाए तो अभी मम्मी पापा का खाना बन रहा है, क्योंकि पापा को लगी थी बहुत तेज भूख, तो पापा मुझे अभी भी बुला रहे। तो पापा आपको भूख लगी है? हाँ। तो बस देखा मैंने कहा था ना। तो ये है हमारे पापा। पापा आप नज़र क्यों नहीं आ रहे इनको, अब आ रहे हो? अरे पापा नज़र नहीं आ रहे, अब इधर देखो, अब पापा नज़र आ रहे। पापा सबको हेलो बोलो। हेलो, कौन है? हेलो कौन है वो बाद में पता चलेगा कौन है वहाँ पे। तो अभी पापा हेलो कर रहे हैं, अभी पापा को लगी बहुत तेज़ भूख तो इसलिए मैंने फटाफट से बनाया है, नहीं तो उसको सिलबट्टे पे पीसते और मज़ा ही कुछ और आता। तो मम्मी बैठी है बाहर, मम्मी से भी मिलवा देते हैं सबको। मम्मी हेलो बोलो सबको। हेलो हेलो मेरी प्यारी मम्मी। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मम्मी एक गढ़वाली गाना गा के सुनाएगी, तो वो जल्दी ही सुनाएगी। मम्मी कब सुनाओगे? मम्मी कब सुनाओगे बताओ? मम्मी बताओ कब सुनाओगे? मम्मी कब सुनाओगे? आवाज़ नहीं आती मेरी, मम्मी आवाज़ नहीं आती, पर मम्मी जब इशू को सुनाती है ना तो मम्मी के बड़े अच्छे मूड पे गढ़वाली गाना आता है। तो मैं कभी फुर्सत मिलेगी तो रिकॉर्ड करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये है हमारा बाहर का व्यू, साथ साथ खाना भी बन रहा है और मैं खड़ी हूँ बाहर। और मेरी वीडियोस देखो जाके यारो, कैसी लगी तो मुझे बताना, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं तभी आगे जाके उस वीडियो को बनाऊंगी। और ये रजनी भी आ चुकी है नहा के, और अभी रजनी को भी दिखाते हैं और ईशू को भी दिखाते हैं, ठीक है? रजनी नहा के आ गई। हाँ दीदी नहा के आ गई, रजनी नहा के आ गई, बच्चों को खिचड़ी खाएंगे और ये हमारा मसमून भी बन के तैयार हो गया। रजनी कैसा लग रहा है देखने में? बाकी तो खाने वाले बताएंगे। तो रजनी भी नमक मिर्च बहुत कम खाती है, तो ये हमारा साथ साथ गप्पों के साथ साथ हमारा मसमोन भी बन गया। तो आपको जैसे पता है कि पापा को भूख लगी है, तो फिर तो ये है गैस की, वो गैस की कह रही हूँ, ये लग चुकी है चावल की और मार दी क्योंकि मैं इसकी हवा निकालूंगी। तो ये बन चुके हमारे चावल और ये बन चुका है हमारा मसमोन, और मैंने साथ में काट दी है मूली। तो बस 5 मिनट में देते हैं पापा को खाना, और बस ये देखो ये बन गया इस तरह से। ये है हमारा आज का मसमोन और भात। पापा का लग चुका है खाना, दम वो मसमोन भात और चावल, तो ये हम दे रहे हैं पापा को। चलो पापा आप लोग का खाना तैयार, तो आप खा के बताओ कि कैसा बना है। खाओ, दवाई दिखा लो पहले। दवाई दिखाई आपने, तो दवाई खाओ आप। तो चलो मम्मी को भी देते हैं खाना। फिर नहीं कि अगर कढ़ाई पे लगता है तो मसमोन बहुत अच्छा बनता है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ लाइव कि कढ़ाई पे लगा कि नहीं लगा। लगा है ना, तो इसका मतलब बहुत अच्छा बना है। तो चलो
ये बन गया खाना। मम्मी कैसे बने? अच्छा बना है। अच्छा बना। पापा कैसे बने? बहुत अच्छा है। देखो बन गया ना। ठीक है चलो खाते लंच। मैं नजर आ रही हूँ। अब हमने खा लिए हैं मसमोन और भात और मूली। मैंने तो थोड़ा सा ही खाया था। तो अब हो गया दोपहर, अब बज गए 2। तो अब मैं थोड़ा सा करूँगी आराम, क्योंकि पूरी वीक की थकावट निकालूंगी। नींद आ जाएगी तो सो जाऊंगी, नहीं सोई तो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप लोग भैया सपोर्ट करो 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 करो। तो चलो मिलते हैं टी टाइम पे। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 8 और हमने आज इतना हैवी खाना खा लिया था, तो अभी सिर्फ हम खा रहे हैं थोड़ा सा पुलाव और खाएंगे एग, बॉयल एग। क्यों पापा? हाँ तो मम्मी आज आपका गाना सुनाने का मूड है? अभी नहीं है। और देखो ये इशू भी सो रहा है और अभी दीपू उसको लेके जा रहा है, तो मम्मी का गाना सुनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो ओके गुड नाइट, बाय 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 बाय। रजनी रजनी फिर छुप रही है, पता नहीं क्यों छुपती है रजनी। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो चलो ओके गुड बाय गुड नाइट।